देख रहे हैं अखंड भारत टीवी, मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। राजस्थानी अकादमी ने 32वीं राजस्थानी समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया। राजस्थानी लय और रंगों ने दिल्ली को मंत्रमुग्ध किया। 8 अक्टूबर 2024 कमानी ऑडिटोरियम राजस्थानी अकादमी ने प्रस्तुत 32वीं राजस्थानी समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह सांस्कृतिक तमाशा अकादमी के वार्षिक कैलेंडर का एक आधार है, जो 10,000 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक प्रतिभा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के 18 स्कूलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे यह राजस्थानी लोक परंपराओं का एक भव्य उत्सव बन गया। परम डेयरी का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री राजीव कुमार अग्रवाल को कार्यक्रम के मुख्य प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथियों में महामहिम श्री जगन्नाथ स्वामी, फिजी के उच्चायुक्त महामहिम शामिल थे। सुश्री कैपैया रोड्रिग्स गोंजालेज, वेनेजुएला की राजदूत डॉक्टर रश्मि सलूजा, रेलिगियर समूह की अध्यक्ष लॉयंस, 321A1 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर NK गुप्ता, पद्मश्री नलिनी कमलिनी, प्रसिद्ध नृत्य उस्ताद श्री सुबोध गोस्वामी, DCP दिल्ली पुलिस श्री बासेम हेलिस, फिलिस्तीनी दूतावास श्रीमती रमा पांडे। अपने स्वागत भाषण में राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गुप्ता ने इस प्रतियोगिता की स्थायी विरासत पर विचार किया और इसके संस्थापक श्री राम निवास लखोटिया और श्री सुभाष लखोटिया को श्रद्धांजलि दी, जिनकी दृष्टि इस आयोजन को प्रेरित करती है। उन्होंने प्रतिष्ठित सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार भी पर भी प्रकाश डाला। अकादमी की सचिव श्रीमती सुमन माहेश्वरी ने अपने काव्य संचालन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे कार्यक्रम का सांस्कृतिक माहौल और भी बढ़ गया। प्रतियोगिता का समापन कैंटरबरी पब्लिक स्कूल यमुना विहार द्वारा प्रथम पुरस्कार के लिए श्री शांताबाई मेमोरियल ट्रॉफी जीतने के साथ हुआ। अवार्डचिन भारतीय भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दूसरे पुरस्कार के लिए चिरंजी लाल धानुका मेमोरियल ट्रॉफी जीती, जबकि JBM ग्लोबल स्कूल ने तीसरा पुरस्कार जीता। कुल मिलाकर 7वें स्थान तक के विजेताओं को 43,000 की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कारों में ग्रीनवेज मॉडर्न स्कूल द्वारा जीती गई सर्वश्रेष्ठ पोशाक के लिए रजत मेमोरियल ट्रॉफी और लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल विजया पार्क को दिया गया 11,000 रुपये का सुभाष लखोटिया मेमोरियल पुरस्कार शामिल है। इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने में उनके प्रयासों के लिए श्री सुशील बियानी, श्री उमा शंकर, श्री PS ढिंगरा, श्री संदीप गोयल और श्री वेद प्रकाश सहित रिसेप्शन कमेटी के सदस्यों की विशेष सराहना की गई। 4वें और 7वें स्थान के लिए नकद पुरस्कार की श्री CL अग्रवाल, RK अग्रवाल, MLगर्ग और श्रीमती स्नेह कनोडिया द्वारा उदारतापूर्वक प्रायोजित किए गए। शाम का मुख्य आकर्षण 8वें सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार की प्रस्तुति और माता पिता की सेवा के लिए उनके अटूट समर्पण के लिए श्री विशाल चावला को 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान करना था। कार्यक्रम में 10वीं राजस्थानी चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं का भी जश्न मनाया गया, जिसमें निम्नलिखित छात्रों को प्रथम पुरस्कार मिला। कृषिका चौधरी वरिष्ठ श्रेणी, लिटिल फ्लावर्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल युक्ति शर्मा जूनियर श्रेणी, लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल यमुना बिहार नैना मदान मध्य श्रेणी और ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल नोएडा कार्यक्रम को उपहार भागीदारों के रूप में बीकानेर वाला जेम माइंस और वंडर शॉप द्वारा समर्पित किया गया था। और शानदार प्रदर्शनों ने दर्शकों को राजस्थान के जीवंत सांस्कृतिक हृदय में पहुंचा दिया और राजनयिकों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। क्या कहूँ, मुझे तो सबने निशब्द कर दिया है। जितनी प्यार से ये अपने मन की बातें कह रहे हैं और सुमन नाम की जैसी खुशबू फैला रहे हैं, असल में तो खुशबू इनकी ही है। इतने मुस्कुराते चेहरे, इतना उत्साह, एक बच्चे में जो उत्साह रहता है, जो कहते हैं कि जोश से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, ऐसे ही हैं हमारे नवरत्न जी, जिनके नाम में ही 9 रत्न हैं और जितने भी रत्न जोड़े वो भी कम पड़ जाएंगे। और गौरव जी तो गौरव नाम के अनुकूल हैं,
ऋतु जी, जैसे मौसम बदलते हैं, ऋतु ये सदाबहार ऋतु है जो कभी नहीं बदलती और हर समय हर मौसम में साथ देती है, गौरव बढ़ाती है। राजस्थानी अकादमी तो अपना ही परिवार है। राजस्थान की मिट्टी में ऐसी खुशबू है जो मन को मोह लेती है। एक आकर्षण है न सिर्फ वेशभूषा में, खान पान में, बल्कि व्यवहार में, बोलचाल में एक अजब ही मिठास है। इस माटी की सौंधी सुगंध है, ये राजस्थान की खुशबू पूरे भारत में फैले, यही मनोकामना है। और आप जैसे लोग हैं जो हमें जोड़ते हैं, हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपका धन्यवाद। अखंड भारत, अखंड भारत अखंड रहेगा, कभी खंडित नहीं होगा, यही कामना है। भारत जय भारत, मेरा भारत, मेरा भारत। दिल्ली में कार्यरत है और लास्ट 11 साल से मैं इसका अध्यक्ष हूँ। इसमें हम हर साल राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता, लोक नृत्य प्रतियोगिता करते हैं। अब तक लगभग 10,000 बच्चे भाग ले चुके हैं। आज भी 18 स्कूलों में भाग लिया है। और इसके अलावा हम एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन करते हैं जो बच्चे अपनी एंट्री भेजते हैं। सेकेंड एंट्रीज का हम उसमें कैलेंडर बनाते हैं, जो हमारे जेके सेंटर है। हर साल वो कैलेंडर बना के हम सारे मेम्बर्स और एम्बेसडर्स वगैरह को देते हैं। इसमें राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी हेरिटेज और बेटी बचाओ की झलक होती है। इस साल भी बहुत सुंदर पेंटिंग आई है। इसके अलावा राजस्थानी अकेडमी का हमारा फैमिली पिकनिक, टीच फेस्टिवल और यूनिक कवित्री सम्मेलन, कवि सम्मेलन बहुत होते हैं, कवित्री सम्मेलन होली के अवसर पर हर साल करते हैं। तो ये हमारा एक परिवार है जो कितने 34 साल से दिल्ली में कार्यरत है। कोरोना के बीच में भी हमने ऑनलाइन और जूम में इसे चालू रखा है। एक आपकी पिकनिक करवा हमारी होती है, इस साल हमने यूनिक बनाई, हमने मेंबर एम्बेसी में बनाई। इसमें सबको राजस्थानी खाना और दिल्ली की चाट सबने एम्बेसी में और डिप्लोमेट से इंजॉय किया। आज के भी कार्यक्रम में हमारे सीजी दूतावास के राजदूत और वेनेजुएला के राजदूत और साथ में कई और देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। ये अपने अपने घर का कार्यक्रम है दिल्ली में जो हर साल हुआ। जिन बच्चों ने भाग लिया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे देखिए जो जीते उनके लिए भी शुभकामनाएं, जो नहीं जीते अगली बार जीतेंगे। छोटे बच्चे प्री प्राइमरी के भागते हुए ऐसे नजर आ रहे थे कि कमेंडेबल स्पीच, वी आर स्पीचलेस। उनको हम भगवान चाहता होते जब वो कुछ बड़े होकर आएंगे ना, वो फर्स्ट प्राइज लेके जाएंगे। उसमें 11,000 का केक प्राइज क्या और 7,500 का 4,000 का केक प्राइज दिए गए। उसके अलावा 1,00,000 रुपये का शरण कुमार पुरस्कार दिया गया जो सहारनपुर के एक विशाल चावला को दिया गया। इसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।